कांग्रेस के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष हार्दिक पटेल वाराणसी पहुंचे। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किया और उसके बाद चौक स्थित गली में जाकर गुजराती समाज से मुलाकात की। हार्दिक को देख कांग्रेस वर्करों में उत्साह नजर आया और उन्होंने नारे लगाकर युवा नेता का स्वागत किया। वहीं इस मौके पर हार्दिक पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र 75 वर्ष है, इसीलिए अब हमें ऐसा नेता चाहिए जो अगले 25 साल तक देश का नेतृत्व कर सके। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, अब आप लोगों को बोलना है, आप लोगों के सामने है कानून। सर, क्या लगता है बीजेपी 300 प्लस जाने का वादा कर रही है, संभव हो पाएगा? कहाँ जाना है 300 प्लस? 300 प्लस ऐसे थोड़ी मिल जाएगी। आप आज गुजरात ममरा है कि खा लेंगे, जनता वोट करेगी, जनता तय करेगी ना। आज आप गुजरातियों के बीच में अपने समाज के लोगों के बीच में किस तरह का रिस्पांस आया? लोग अच्छे सालों से यहाँ पर रहते, समझते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। मैं तो इतना कहने आया कि नरेंद्र भाई की उम्र 75 साल, हमें आने वाले दिनों में एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो आने वाले 20-25 साल तक देश के लिए अच्छा बना सके। बस यही सब बात करने के लिए, यही समझाने के लिए यहाँ पर आए। हार्दिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मार्ट वाराणसी शहर बनाने के दावे को झूठा करार दिया है। उन्होंने पेगासस सॉफ्टवेयर के मामले पर भी मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। कि मैं कैंपेनिंग से ज्यादा अपने लोगों से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए, और मोदी जी जो पूरे देश में कह रहे हैं कि मैंने काशी का विकास किया है, उसको देखने के लिए आया। क्या विकास देखा? हमने जिस शहर से और जिस गलियों से निकले हैं वहाँ हमने भी देखा है कि ऐसी गंदगी। जिस काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, वहाँ ये भी चाहते हैं कि यहाँ स्वच्छता अच्छी है। क्योंकि नरेंद्र भाई सिर्फ बहानेबाजी, दिखावा और लोगों को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं किया। और आज हम कई साथियों से मिले भी और अभी दोपहर के बाद भी मिलने वाले हैं। हमारा यही प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में जो शासन लगातार यहाँ के लोगों को दुखी कर रहा है, उनके खिलाफ एक बड़ी आवाज उठाई जाए और लोग सरकार के खिलाफ बोले। स्मार्ट सिटी का कार्य आपको दिखाई पड़ रहा है? देखिए, मैं कल रात से आया। स्मार्ट सिटी का मतलब हम सब लोग जानते हैं क्या होता है। स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ शहरी वालों के वोट लिए जाते हैं। मैं तो ये मानता हूँ, चलिए स्मार्ट सिटी बनाइए, लोगों को अच्छी सुविधा दीजिए, लेकिन साथ ही साथ स्मार्ट विलेज का भी बात होना चाहिए। मैं कई गांव में कल रात को गया हूँ इलाहाबाद के आसपास, वहाँ के गांव की स्थिति बहुत ख़राब थी। ये जो पेगासस का मामला न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है, पेगासस को लेकर के आप किस तरीके से? हम तो पहले से बोलते थे, आप लोग नहीं मानते थे। हम तो पहले से कहते थे कि पेगासस सॉफ्टवेयर के नाम पर हम लोगों की जासूसी की जा रही है। और ये पेगासस सॉफ्टवेयर जो आया 2017 के नवंबर के आसपास लिया गया था, और आपको ये ताज्जुब होगा कि दिसंबर में गुजरात चुनाव था, गुजरात चुनाव में भी बड़ा उपयोग हुआ क्योंकि हमारा आंदोलन भी वहाँ पीक टाइम पे था। मेरा ये मानना है कि पेगासस जो सॉफ्टवेयर है उससे आपके मोबाइल की जांच हो रही है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अपने बेडरूम की भी जांच करेंगे ये लोग। अखबारों की ने कहा है कि आईडी चमक नहीं ना रही है, सहमति के लिए इसराइल की सहमति के लिए भारत में नहीं, हम लोगों की जासूसी कर सरकार के खिलाफ हम लोग जिस तरह से लड़ रहे हैं उसको कैसे दबाया जाए, इसीलिए पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। और सुप्रीम कोर्ट में क्यों जवाब नहीं दिया था? किसी देखा गया कि पुलिस ने पुलिस आपके पास आई थी? नहीं, वो तो आती रही थी, 5 साल से आती रही थी। हम मोदी और अमित शाह की पुलिस से लड़ चुके, तो योगी की पुलिस के दो सिंह वाली है। वहीं हार्दिक पटेल ने कहा कि धर्म के बारे में वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ज्यादा जानते हैं। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल पर रोक लगाने का मतलब बीजेपी माइनस है। समाजवादी पार्टी से आप पूछिए, और मेरे घर पे कभी आइएगा तो 5 फीट की बड़ी प्रतिमा है भगवान राम की। तो हमसे धर्म की बात ना की जाए, क्योंकि जितने श्लोक उनको नहीं आते गोरखनाथ मठ में बैठे उतने श्लोक हम बोलते हैं। अभी आपके डोर टू डोर कैंपेनिंग में कोविड गाइडलाइन का पालन हुआ है? कहाँ होगा, चुनाव प्रक्रिया में कहाँ होता है बताइए। तो चुनाव ही नहीं करना चाहिए अगर तो आपको कैंपेनिंग के तहत कोविड गाइडलाइन का उपयोग करना है, चुनाव ही नहीं करना चाहिए। और अमित शाह जी मास्क तो नहीं लगाते, मालूम है ना, थूक भी लगाते हाथ। और जब पहले कोविड का आई थी तो बोलते थूक से कोविड फैलाया जा रहा है, तो अमित शाह भी कोविड फैलाने का ही धंधा कर रहे हैं ना। एग्जिट पोल पर रोक लगा दी गई है, उसका मतलब है बीजेपी माइनस है। इसको किस तरह देख रहे, क्या अच्छा फैसला है? बिल्कुल अच्छा है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बीजेपी को मालूम है कि अगर एग्जिट पोल पहले फेज का आएगा तो उसको माइनस होगा, तो ऐसे ही पूरे प्रदेश में माहौल। हार्दिक पटेल गुजरात के मशहूर युवा नेता रहे हैं, उनको आगे करके कांग्रेस ने गुजरात में बीजेपी का वर्चस्व खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक कांग्रेस अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।